जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार जो आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच आईपीएल 2022 का मुकाबला खेला जा रहा है उसी की लाइव अपडेट के बारे में तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर हम बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी क्या मानते हो कि आज का मुकाबला मुंबई इंडियंस की टीम जीतेगी या फिर नहीं, अपनी राय हमें जरूर बताना। और अगर आप भी मुंबई और लखनऊ के बीच मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हो तो अभी इस वीडियो को भी जरूर लाइक करना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताए कि आईपीएल के दिन प्रतिदिन एक के बाद एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले हम सभी को खेले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी कड़ी में अब मुंबई इंडियंस की टीम एक बार फिर से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के खिलाफ भिड़ने की तैयारी में जुट चुकी है। दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस की टीम को अब अगर अपनी हार का सिलसिला तोड़ना है तो उसे आज रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि मुंबई ने अब तक इस सत्र में अपने 7 मैच खेले हैं और 7 ही मैच उसने अभी तक गवा दिए हैं, जिसके चलते 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम काफी ज्यादा कमजोर इस बार आईपीएल में नजर आई। तो वहीं हम आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम दूसरी तरफ काफी अच्छी लय में दिखाई दे रही है। उसने 7 मैच खेले हैं और 4 में उसको जीत मिली है, लेकिन पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हाथों से 18 रन से हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं लखनऊ ने हालांकि अपने पहले चरण के मैच में मुंबई को 18 रन से हरा दिया था, जिससे वह बड़े हुए मनोबल के साथ आज मैदान पर उतरेगी। तो वहीं मुंबई ने टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वह इकाई के रूप में प्रदर्शन करने में नाकामयाब रही है, और इसी के चलते मुंबई किसी एक सत्र में पहले 7 मैच गंवाने वाली आईपीएल के इतिहास की पहली टीम भी बन गई है। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि रोहित शर्मा को अब अपनी गलती का जरूर एहसास हुआ होगा कि आखिरकार पिछले 7 मुकाबलों में उन्होंने क्या प्लेइंग 11 टीम चुनकर वो गलतियां की जिसके चलते उनकी टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा, और आज उन गलतियों में सुधार करने के साथ ही रोहित शर्मा अपनी प्लेइंग 11 टीम को बीच मैदान पर लेकर उतरे हैं। तो वहीं अगर हम नजर डालें दोनों की ही प्लेइंग 11 टीम पर, तो आइए पहले हम आपको बताते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 टीम। जी हां दोस्तों, लखनऊ की तरफ से जो आज आप सभी को खिलाड़ी खेलते हुए नजर आने वाले हैं वो सभी आपकी लिस्ट के सामने हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर केएल राहुल का नाम टीम में शामिल है। तो वहीं क्विंटन डिकॉक, मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुड्डा, आयुष बदूनी, कृणाल पांड्या, जेसन होल्डर, कृष्णप्पा गौतम, आवेश खान, दुष्मांता चमीरा और रवि बिश्नोई को मौका दिया जाएगा। तो वहीं अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 के बारे में, जो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 टीम मैच मैदान पर उतरेगी उसमें शामिल होंगे खिलाड़ी ईशान किशन, रोहित शर्मा, डिवॉल्ड ब्रेविस, टिम डेविड, जयदेव उनादकट, मुरुगन अश्विन, डेनियल सैम्स, जसप्रीत बुमराह और बासिल थम्पी। तो ऐसे में दोस्तों यही होगी आज के इस रोमांचक मुकाबले की प्लेइंग 11 टीम। बाकी अब आप सभी की क्या राय है आज का ये मैच देखने के बाद, और आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतने की प्रबल दावेदार है आप सभी के हिसाब से? अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं दोस्तों उम्मीद है कि आपको दिखाई गई हमारी ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली कुछ ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।